चलिए जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो लोक सेवा आयोग की ओर से आज चार बड़े अहम नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, तो सबके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ अब अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2022 ऑफिस मेमो रिगार्डिंग ग्रांटिंग परमिशन टू श्री अमित बिजलवान एज ए डिस्ट्रिक्ट एज ए डिक्टेशन राइटर, ये पहला है, ठीक है। दूसरा नोटिफिकेशन है जेल वार्डन 2022 फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट अमेंडमेंट, इसमें कुछ जो है चेंजेस हुए हैं, यानी कि जो बंदी रक्षक का फिजिकल है, ठीक है, उसके फिजिकल और रिक्वायरमेंट। तीसरा है ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड विज्ञापन जारी हुआ हो रहा है, 16 सितंबर को ये विज्ञापन जारी होगा, लेकिन आज जो है आयोग ने सूचना दी है। उसके अलावा एक और जारी हुआ है जूनियर असिस्टेंट से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए चारों के बारे में एक एक में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जो है जारी हुआ है, क्या इसके बारे में है, चलिए उसको यहाँ पर देख लेते हैं और डिटेल में इस बारे में चर्चा करते हैं। तो अब तक आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो कार्यालय ज्ञापन है, आप देख सकते हैं ये जो अभ्यर्थी हैं उनको महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि 18 सितंबर 2023 को, आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 सितंबर 2023 को होने वाली टंकण परीक्षा, जिसमें अंग्रेजी एवं हिंदी तथा कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु श्रुति लेख का जो है यहाँ पर अनुरोध किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, ये कैंडिडेट्स का नाम है और ये इनकी जगह पर जो है श्रुति लेख करेंगे ज्ञानोदय लैब में होगी, ठीक है। पहली नोटिफिकेशन ये है। दूसरी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जो है ये है आपकी ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर। तो आप देख सकते हैं कल 16 सितंबर को इसका विज्ञापन जारी होगा। जो लास्ट डेट है यहाँ पर फॉर्म भरने की वो 6 अक्टूबर 2023 है, यानी कि कल नोटिफिकेशन जारी होगा। तो प्रॉपर हमारी नज़र इस पर बनी हुई है, तो आप हमारे साथ कल जरूर जुड़िएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगला जो है जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट हिंदी टाइपिंग और यहां पर दिव्यांग जन को लेकर यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसको देख लेते हैं क्या इसमें जो है सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलिए इसको ओपन करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 दिव्यांग जन हिंदी टाइपिंग, यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ इन्होंने जो कीबोर्ड्स के इंस्ट्रक्शन है, कैप्स लॉक ऑन करना है, नम लॉक ऑन ऑफ तो नहीं है, तो सारे यहाँ पर जो चेकलिस्ट है एमएस हिंदी फॉन्ट कृतिदेव हिंदी टाइपिंग के लिए, तो तमाम अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिला के जो है 14 डिटेल्स में यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन जो है आयोग ने दिए हैं। तो आयोग का जो है ये आप जो मैसेज है उसको पढ़ लीजिएगा, जो है समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिगार्डिंग, आप देख सकते बंदी रक्षक से रिलेटेड जो है अगली इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है बंदी रक्षक से रिलेटेड, आप देख सकते हैं 15 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं जेल बंदी रक्षक 2022 के अंतर्गत शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा का जो परिणाम 10 अगस्त 2023 को घोषित किया गया था। इस परिणाम में परीक्षा के क्रम में संज्ञान में आया है कि अस्वस्थता के आधार पर एक अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अनुरोध हुआ था, जिसके क्रम में अभ्यर्थी की नवीन परीक्षा तिथि प्रदान की गई, परंतु भर्ती केंद्र से जो है समान नाम के एक अन्य अभ्यर्थी के सम्मुख शारीरिक दक्षता परीक्षा का डेटा अंकित करने से त्रुटि हुई है, जिसकी पुष्टि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी को विभिन्न प्रपत्रों के गे जो है हस्ताक्षर से मिलान हुई। इस प्रक्षेप में जेल बंदी रक्षक की शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक जो परीक्षा दिनांक 10 अगस्त 2023 में जो है निम्नतम संदोष जो है संशोधन होता है। तो आप देख सकते हैं एक ही नाम के जो अभ्यर्थी हैं उनके अनुक्रमांक आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था आयोग की ओर से, तो इसको जो है आयोग ने जो है सुधार लिया। तो ये चार बड़े नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं आयोग की ओर से आज जारी हुए हैं। लगातार आयोग जो है कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा है, इस तरह से सारी डिटेल्स हमने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दी हैं। चार ये अपडेट आई हैं, आप देख सकते हैं 2 असिस्टेंट से रिलेटेड, 1 न्यू वैकेंसी से रिलेटेड और 1 जो है आपका जेल वार्डन से। तो आई होप तो आप यहां तक आए हैं तो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।